राजघाट इस समय बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और गांधी जी यहाँ पर, जो कि हमारे हृदय में राज करते हैं, राजघाट पर एक शांति के अधिष्ठाता के रूप में, शांति के प्रणेता के रूप में चिरंतन हैं। और उसी समाधि स्थल पर आज दुनिया श्रद्धावनत होगी। G20 के राष्ट्राध्यक्ष, संस्था प्रमुख वहाँ पर श्रद्धा सुमन करने पहुँच रहे हैं महात्मा गांधी। ये निर्वात निष्कंप दीपशिखा में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लौ है, ये वो लौ है जो हमारे दिलों में जलती है गांधी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के रूप में। ये वो लौ है जो कि हमें सत्याग्रह सिखाती है, ये वो लौ है जो हमें सर्वोदय सिखाती है, ये वो लौ है जो कि समतामूलक समाज के लिए हमको प्रेरित करती है। राजघाट पर G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और संस्था प्रमुखों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। महात्मा गांधी ने एक समतामूलक समाज की स्थापना का जो उन्होंने सपना देखा था, एक ऐसे ही समतामूलक समाज की स्थापना के निर्माण में प्राणपण से जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के जरिए कार्यांजलि स्वरूप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और समूचा देश खुले में शौच से मुक्त हुआ। एक महत्वपूर्ण कार्यांजलि, एक विशिष्ट कार्यांजलि दी गई राष्ट्र द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। सर्वोदय के सिद्धांत को, अंत्योदय के सिद्धांत को, समाज के अंतिम पायदान के पर खड़े व्यक्ति के सशक्तिकरण के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत निर्माण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस समय राजघाट पर स्वागत कर रहे हैं विदेशी अतिथियों का अंगवस्त्र के द्वारा, खादी के वस्त्र के द्वारा, खादी के वो वस्त्र जिनमें गांधी जी के सिद्धांत समाहित हैं। और विदेशी मेहमानों को गांधी जी के जीवन से संबंधित, गांधी जी के विचारों से संबंधित, गांधी जी के भारत भारतीयता के मूल्यों से संबंधित अनेक मानकों को, अनेक सिद्धांतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों को बता रहे हैं कि किस तरीके से न केवल गांधी जी ने भारत की आज़ादी के आंदोलन में, भारत के सामाजिक समरसता के निर्माण में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के, विशिष्ट रूप में पूरी दुनिया के लिए सत्य अहिंसा का मार्ग अनुसरण करते हुए एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व वाले विश्व की निर्माण की कामना की। भारत की विदेश नीति में, भारत की अर्थनीति में, भारत की समाज शास्त्र में गांधी जी का जो स्वरूप दिखता है वो सर्वोदय के रूप में दिखता है, वो सत्य अहिंसा के अनुनायक के रूप में दिखता है, सत्य अहिंसा के पुजारी के रूप में दिखता है और भारत भारतीयता के उस स्वरूप के रूप में दिखता है जो सनातन संस्कृति के मूल्यों को अपने में समाहित किए हुए पूरी दुनिया को बताता है कि किस तरीके से भारत भारतीयता, विश्व बंधुत्व की बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, विश्व कल्याण की बात करती है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करती है और दुनिया के कल्याण की कामना करने वाला अकेला भारतवर्ष है। और उसी भारत के अमृत काल में आयोजित किए गए G20 के शिखर सम्मेलन में आज पहुँचे हुए राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं राजघाट। लगातार विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी और राजघाट पर पहुंच रहे हमारे विदेशी मेहमान अतिथि देवो भव हमारी परंपरा, और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जी के विचारों को आत्मसात करके नए भारत के निर्माण में लगातार प्राणपण से जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं और लगातार विदेशी मेहमानों का आगमन जारी है राजघाट। Chairperson of the
गांधी जी के प्रिय वस्त्र खादी से, खादी के अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का, और साथ ही साथ गांधी जी के जीवन दर्शन से परिचित करा रहे हैं विदेशी मेहमानों को। गांधी जी के जीवन दर्शन के वो मूल सिद्धांत जिसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य समाहित रहा, जहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह का सिद्धांत पूरी दुनिया के सामने रखा, जहाँ पर उन्होंने सत्य अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया, और सत्य अहिंसा का ऐसा पाठ जिसने कि पूरे विश्व को रक्तहीन क्रांति का मार्ग दिखाया। सत्याग्रह की जब बात महात्मा गांधी करते हैं तो सत्य के आग्रह की बात होती है, उसमें हिंसा नहीं होती है, सत्य के प्रति अटूट निष्ठा होती है। और अहिंसा का जो उन्होंने मार्ग दिखाया, वो अहिंसा का वह मार्ग है जो कि जिसने कि पूरी दुनिया को रक्तहीन क्रांति का मार्ग दिखाया, जिसने रक्तहीन क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया और पूरी दुनिया को नई राह दिखाई कि किस तरीके से हम शांति के द्वारा, अहिंसा के मूल्यों के द्वारा अपने हित को, अपने साध्य को हासिल कर सकते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, शांति के अधिष्ठाता, शांति और अहिंसा के पथ प्रदर्शक, एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जो कि युग प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जो कि पूरी दुनिया के सामने युग संस्थापक के रूप में जाना जाता है, युग निर्माता के रूप में जाना जाता है। आज राजघाट पर पूरी दुनिया श्रद्धावनत होगी, विनयावनत होगी, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख पहुंच रहे हैं लगातार राजघाट, जहां पर वो महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कार्यांजलि अर्पित करने का कार्य लगातार राष्ट्र निर्माण के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दुनिया भर के प्रमुख ताकतवर देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष इस समय राजघाट पहुँच रहे हैं। अलग अलग शब्दों में बापू की अभिव्यंजना की गई है। कहा गया है, बापू तुमने होम दिया जिसके निमित्त अपने को, अर्पित सारी भक्ति हमारी उस पवित्र सपने को, क्षमा शांति निर्भीक प्रेम को सतह प्यार हमारा, उगा गए तुम बीज सींचने का अधिकार हमारा। जो बीज वपन किया महात्मा गांधी ने अपने सिद्धांतों के रूप में, चाहे वो सिद्धांत सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य के हों, चाहे वो सत्याग्रह और सर्वोदय के सिद्धांत हो, चाहे वो ग्राम स्वराज की स्थापना का संकल्प हो, उन्हीं सपनों को साकार करने में पूरी की पूरी पीढ़ी लगी है, उन्हीं सपनों को साकार करने में प्राणपण से लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सर्वोदय के सिद्धांत के द्वारा, अंत्योदय के सिद्धांत के द्वारा, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय के मंत्र के द्वारा राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, और स्वागत कर रहे हैं विदेशी अतिथियों का, जो कि इस समय राजघाट पहुँच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के विचार, महात्मा गांधी जी का दर्शन, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक और सामाजिक सोच पूरी दुनिया को चकित कर देता है कि किस तरीके से सत्याग्रह के प्रयोग के द्वारा हम अपने राजनीतिक हितों को, अपने सामाजिक हितों का पोषण कर सकते हैं।